बीमा कंपनी से 1 करोड़ का क्लेम लेने के लिए एक ड्राइवर ने खुद की मौत का षड्यंत्र रच लिया। उसके इस षड्यंत्र में पत्नी, बेटा और डॉक्टर भी शामिल था। बीमे की 2 किश्त जमा करने के बाद ड्राइवर की पत्नी ने 1 करोड़ का बीमा भी क्लेम कर दिया। बीमा कंपनी के अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने कोतवाली पुलिस को जांच के लिए आवेदन दिया। इसमें ड्राइवर और उसका पूरा परिवार बेनकाब हो गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 अभी भी फरार है। दरअसल फर्जीवाड़े की इस कहानी का सूत्रधार एकता नगर निवासी अब्दुल हनीफ है। उसने 2 मई 2019 को SBI लाइफ इंश्योरेंस की तारानी कॉलोनी स्थित शाखा से 1 करोड़ की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। 46 साल के अब्दुल को सालाना 40,000 रुपए की किस्त चुकानी थी। अब्दुल हनीफ ने 4,000 रुपए की 2 किश्तें भी जमा कर दी थी। 2 किश्त भरने के बाद अब्दुल के पुत्र इकबाल खान ने पिता को मृत बताते हुए नगर पालिका निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा करा दिया। इसके लिए इकबाल ने लक्ष्मी नगर स्टेशन रोड के डॉक्टर शाकिर मंसूरी को दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। ये जाली प्रमाण पत्र लगाकर अब्दुल हनीफ की पत्नी रेहाना ने 1 करोड़ का क्लेम बीमा कंपनी के सामने प्रस्तुत कर दिया। बीमा कंपनी ने जब दस्तावेजों की जांच की तो गड़बड़ी की आशंका हुई। मैनेजर सुनील माखीजा ने शक होने पर कोतवाली में आवेदन दिया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। कोतवाली के सब इंस्पेक्टर पवन यादव ने जब जांच की तो दस्तावेजों में खुद को मरा बताने वाला अब्दुल हनीफ जिंदा और स्वस्थ मिला। यादव ने पाया कि 1 करोड़ का क्लेम हड़पने के लिए अब्दुल हनीफ, उसके बेटे इकबाल, पत्नी रेहाना और डॉक्टर शाकिर ने षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने अब्दुल हनीफ और डॉक्टर शाकिर मंसूर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है जबकि बेटा इकबाल और पत्नी रेहाना फरार है। अब्दुल हनीफ नामक व्यक्ति ने इनसे 2019 में एक बीमा पॉलिसी ली थी 1 करोड़ रुपए की और उसके बाद 2 किस्त भरने के बाद में उसके परिवार में उसकी पत्नी के द्वारा 1 करोड़ का क्लेम लगाया गया था। चूंकि बड़ी रकम थी तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा थोड़ा सा डाउट हुआ उनको, तो उन्होंने भी कुछ मुखबिर लगा, इन्वेस्टिगेट किया, तो उनको ऐसा पता लगा, संदेह हुआ कि शायद जो मृतक है वो मरा नहीं है, उन्होंने क्लेम लगाया है जो 1 करोड़ रुपए का। इसके आधार पर उन्होंने हमें शिकायत दी थी, हमने भी जांच की, हमारे द्वारा भी जब उसकी मुखबिर लगाया गया तो ऐसा पता किया गया कि वो व्यक्ति मरा नहीं है। तो हमने 28 तारीख को उसके विरुद्ध SBI लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से FIR लॉन्च की थी धोखाधड़ी की, और जब उसकी हमने विवेचना की गई तो उसके अंदर आज हमने जो मृतक बता रहा था अपने आप को अब्दुल हनीफ, उसको हमने गिरफ्तार किया है और उसके आधार पे डॉक्टर को भी हमने आरोपी बनाया था जिसके द्वारा अब्दुल हनीफ का नकली मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था और जिसके आधार पर उस डॉक्टर के शाकिर अली जिसका नाम है उसको भी हमने अरेस्ट किया।